नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने की कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या है आज का आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की, जय श्री, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों के हल, मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। साथ ही हमें कॉल कर सकते हैं आप, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और देर किस बात की। उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का माँ बगला मुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भाग्य लक आपके साथ रहेगा। राजकीय पक्ष से कोई अच्छी खबर या संदेश पत्र आपको मिल सकता है। यदि आप किसी कंपटीशन में, किसी परीक्षा में, किसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर में उसमें सफलता भी आपके लिए आज खुशी का एक कारण बन सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज आपको मिल सकते हैं। आपके अंदर जो क्षमता है और जो साहस है, वही ताकत आज आपको सफलता के द्वार पर ले जा सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी यथासंभव अपना खुला मन रखें, लचीला व्यवहार रखें और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं जो आज आपके सामने आ सकती हैं, उनको बातचीत के जरिए ही सुलझाने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, न थकना है, न तनाव लेना है और न ही अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को बार बार भंग होने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन जो है आपका वो अच्छी तरीके से गुजरेगा। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं अनु बीकानेर से। ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। इनका जन्म का समय है सुबह के 10:45 पर, 31 अक्टूबर 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पंडित जी, जी पूछिए। अनु जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर, एक तो मैं अपने बेटे की राशि पूछना चाहती हूँ कि राशि क्या है, और दूसरा मुझे कहते हुए जी, बिल्कुल ऐसा है बेटा। एक तो इसकी जो राशि है वो है धनु राशि। दूसरी जो समस्या है वो ये समस्या है कि इसके द्वादश भाव में राहु, बुध और शुक्र तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं। राहु जब द्वादश भाव में बैठ जाता है तो गलत संगत में डलवा देता है। हमेशा इसके लिए एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत संगत से इसको बचाना है, कोर्ट कचहरी से इसको बचाना है, वरना इसकी किस्मत में लिखा है कि इसको अपमान अपयश का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, किसी की फटे में टांग नहीं अड़ाए, जुआ, सट्टा, लाटरी, इन सब चीज़ों से इस बच्चे को दूर रखना है। ये एक विशेष बात है। जन्म कुंडली में इस वक्त इसको चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसके अंदर में भी बुध का अंतर है। निश्चित तौर पे चूंकि चंद्रमा इसके लग्न में बैठा है, दिमाग बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी, प्लानिंग बहुत अच्छी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना वो थोड़ी सी दिक्कत है। टेक्निकल लाइन चूंकि इसके शनि स्वग्रही धन भवन में बैठा है, एक तरफ ये भी है कि अथाह धन संपत्ति इस बच्चे के पास रहेगी,
तो लोहे से संबंधित कोई काम हो, टेक्निकल कोई काम हो, हार्डवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के जो काम हैं, अगर उसमें इस बच्चे को डालते हैं तो निश्चित तौर पे ये बच्चा जो है वो सक्सेस हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण एक चीज़ है, सूर्य इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, भाग्यश सूर्य नीच का है। लक फैक्टर ये अगर सपोर्ट नहीं करे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करवा दीजिए, रात को सोते समय सिरहाने के पास में जो है तांबे के कलश में जल भर के रखिए, इसको जल ग्रहण करवाइए और वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए। इस प्रार्थना के साथ में कि संगत से दूर हो, काम धंधा सेट हो, भाग्य साथ दे, साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करें और फिर जब कभी मौका मिले तो योग्य आचार्य से ग्रह शांति अवश्य करवा दीजिए। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल किशोर जी हैं। ये अपने बेटे अमित के लिए पूछना चाहते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है अमित की 24/9/90। माफी चाहूंगा पंडित जी, अंकित नाम है इनका, इनके बेटे का। शाम 6 बजे का जन्म है इनका जी। स्वागत है कमल किशोर जी आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, खुश रहिए। सर, इसके विवाह के बारे में पूछना है सर। देखिए कमल जी, बच्चे की जो जन्म कुंडली है तो उसमें अभी बुध की मां दशा और गुरु का अंतर चल रहा है 8 मार्च 2015 तक, फिर बुध में शनि आएगा। एक तो वृश्चिक राशि इस बच्चे की, शनि की 7.5 इस बच्चे को शुरू हो चुकी है और लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन इस बच्चे को धारण करवा दीजिए। उसके साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं इसकी जन्म कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं। वैसे कोई तकलीफ नहीं आएगी इसकी मैरिज के लिए। इस वर्ष के अंत तक जुलाई अगस्त के बाद में एक योग्य जो है रिश्ता आपके सामने आएगा। अच्छी ये ध्यान रखिएगा, चूँकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य बैठा है, दाम्पत्य घर में बुध की राशि पे मित्र राशि में, कुंडली मिलाकर अवश्य विवाह कीजिएगा। इस वर्ष के अंत तक में इसका विवाह हो जाएगा, उसमें कोई दोराय नहीं। ग्रह अच्छे हैं इस बच्चे के, तरक्की करेगा, आगे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। चूँकि शनि जो इसकी कुंडली में इस वक्त 7.5 ही बनाए हुए बैठा है, इसलिए आपको एक उपाय बता दिया। बच्चे को बोलिए कि हर शनिवार को शनि मंदिर में जाए, वहाँ पर शनि भगवान के तिल मिश्रित तेल वहाँ पे चढ़ाए, साथ में नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इस बच्चे के भाग्य को आगे बढ़ाएगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका नाम है लाला राम, जैसलमेर से बात कर रहे हैं ये, और 1379 इनकी जन्म तिथि है और इनका जन्म का समय है रात के 12 बजे। लाला राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी, हेलो जी। बेटा पूछिए। पंडित जी, जो आपकी आंख के पास तिल है वैसा ही मेरे आंख के पास तिल है, सेम जगह, उसका क्या भाग्य में फायदा होगा मेरे को? अच्छा बेटा, आप भी जिंदगी के अंदर नेम एम फेन पर्सन बन सकते हो। वैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में उच्च के होके बैठे हैं। निश्चित तौर पे आपका भाग्य आपसे 4 कदम आगे चल सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी सोच, आपके विचार, आपके निर्णय। थोड़ा सा मजबूती से निर्णय करना सीखिए, थोड़ा हिम्मत बना के चलिए, कॉन्फिडेंस बना के चलिए। आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सिर्फ एक ग्रह ही काफ़ी अच्छा है, वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। उसके अलावा 2 ग्रह, एक तो बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, दूसरा शनि राहु साथ में बैठ गए। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान एक बार साल में गौशाला में अवश्य करिए, बाकी आपके जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। गणमूल नक्षत्र का जन्म है रेवती नक्षत्र का, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में उसकी शांति करवा लीजिएगा। वैसे आँख के नीचे जो तिल होता है वो शुभ परिणाम देता है, ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है, भाग्य से उनको जीवन में बहुत कुछ मिलता है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है अभी, संगीता प्रतापगढ़ से बात कर रही है। इनकी जन्म तिथि है 30/12/1982 और इनका जन्म का जो समय है वो है रात के 1:30 पर। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप पूछिए क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा, 30 की रात है, कैसा है जन्म? जी सर, पंडित जी 30 की रात है। ओके बेटा। पंडित जी, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाह रही हूँ। मैं काफी प्रयास करने के बाद में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है
और मैं विधि से संबंधित गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ पंडित जी। बिल्कुल बेटा, अभी क्या है, चंद्रमा की शनि की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है आपको सन 2012 से, मई 2012 से ये खत्म हो जाएगा इसी वर्ष मार्च, 25 मार्च 2015 को। 3 साल का नेगेटिव फेस खत्म होकर शनि की महादशा, गुरु का अंतर उतरता हुआ जो शनि की महादशा है वो पीरियड चालू हो जाएगा। 25 मार्च के बाद जो भी आप कंपटीशन फाइट करते हो उन सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। चूंकि अभी 3 साल से राहु चल रहा है तो राहु का काम ही अड़चने लेके आना है, लास्ट तक एंड मोमेंट पे वो काम को बिगाड़ देता है। तो ये जो नेगेटिव टाइम है ये खत्म हो जाएगा मार्च में, उसके पश्चात अच्छा समय शुरू हो जाएगा। वैसे आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं ग्रहण योग बनाते हुए। यदि आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो तो सबसे पहला एक काम तो आपको पन्ना रत्न आता है कैमरेल, वो सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने में बुधवार के दिन धारण कर लो और कोशिश करिए कि हर बुधवार को प्रतापगढ़ में जो भी अपने गणपति जी का मंदिर हो वहाँ पे अवश्य जाइए और गणपति के दर्शन कीजिए और लड्डू का भोग लगाइए। कम से कम 5 से 7 बुधवार अवश्य कीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो है कि थोड़ी सी मेहनत या थोड़े समय जरूर लगेगा लेकिन सरकारी नौकरी आपको अवश्य प्राप्त होगी और हमारा शुभ आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो दोस्तों अपनाइए छोटे छोटे टिप्स और दिन को बनाइए खुशियों भरा। तो मेष वृष और मिथुन की बात आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद शाम तक कुछ अच्छे परिणाम मिलने की आपको आशा बनी रहेगी। मनोवांछित धन का लाभ हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आज जीवन साथी की बातों को गौर से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में इत्र अवश्य चढ़ाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकता है, पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। परेशानियों का मुकाबला करके भी आप अपने लक्ष्य को आज अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आवेश पर, उत्तेजना पर संयम रखना होगा आज के दिन आपको। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप में बहुत ऊर्जा रहेगी। सिर्फ आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है, बड़ा चंचल रहता है आपका मन। आपकी मेहनत का परिणाम आज आपको मिल सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं या साथी कर्मचारी हैं आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रेखा अलवर से। वो अपने भाई सुधीर के लिए जानना चाहती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1980 और जन्म है सुबह 11:30 का, अलवर का ही जी। तो रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जय कृष्णा पंडित जी। जय माता की बेटा। मैं मेरे भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भैया की हेल्थ ठीक नहीं रहती और हमेशा मतलब बीमार रहता है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की भी कोई बीमारी नहीं है और कोई काम भी करता है तो काम भी नहीं बनता, नौकरी पैसा भी नहीं लग रहा, बस ऐसे ही है। जब भी कुछ भी मतलब काम करता है तो प्रॉब्लम रहती है। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं। वैसे आपके भैया की जन्म कुंडली में 3 जो सबसे शुभ ग्रह हैं, सूर्य, बुध और देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो स्वयं लाभ के स्थान में बैठे हैं। ये बच्चा नौकरी में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, इसको अपना खुद का कुछ काम शुरू करवा दीजिए। अगर ये खुद का कोई काम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत सफल व्यापारी बन सकता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का विषय है, दूसरी जो चीज़ है, इनकी जन्म कुंडली में चूँकि मांगलिक कुंडली है और इस वक्त शनि की महादशा चल रही है, शनि इनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं बीमारी लेके आता है। लोहे का एक छल्ला मध्यम उंगली में धारण करवाइए और इनको बोलिए कि नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करें, तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें कम से कम 11 और साथ में इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में आप करवाइए। जितनी भी बीमारी है सब इनसे दूर भागती हुई नजर आएगी। है कुछ नहीं, विशेष तौर पर मन की बात है। इनका जो मन है उसमें केतु बैठा, केतु मतलब सांप की पूँछ,
तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं, जिसके कारण एक वो डिप्रेशन जैसी जो हम चीज़ कहते हैं वो इनके अंदर डेवलप हो सकती है। तो तुलसी जी की आराधना तमाम तरह के डिप्रेशन को दूर कर सकती है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, वजन के बराबर गुड़ का दान करें, निश्चित तौर पर फायदा होगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं आपके दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काफी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद आज के जो दिन हैं उसमें आपको फायदे तो कम होंगे और नुकसान ज्यादा होगा। और जिस वांछित धन की आप आशा लगातार लगाकर बैठे हैं वो अभी आपके हाथ में आने से रह सकता है। कोशिश करिएगा कि आज अपने आप को विवादों से दूर रखें। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच से आज आपका जो दिन है वो अच्छा बन सकता है। निश्चित तौर पर भाग्य आज आपके साथ है, प्रयास करिएगा, धन प्राप्ति का योग है। और ये ध्यान रखिएगा, व्यर्थ कार्य और व्यर्थ का वार्तालाप में अपना समय, जो आज का बहुत कीमती समय है, उसको नष्ट मत करिए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ठंडे दिमाग से सोच समझकर महत्वपूर्ण फैसले लेने का है। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। आज व्यापार के स्थल पर, कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक लाभ जैसी स्थितियां मिल सकती है, मिलने के योग बन सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन आपका जो है वो अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और कॉल लेना चाहेंगे। आशा जी जुड़ी है हमारे साथ भिलवाड़ा से। 8/10/1980 इनका बर्थ डेट है और जन्म है इनका सुबह के 5:15 का जी। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आशा जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी, और मैं क्या है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैं ट्रांसफर कब तक हो जाएगा? देखो बेटा, 18 साल की राहू की माँ दशा चल रही है आपको जी, और उसमें भी अभी राहु की महादशा और चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है जो खत्म होगा 2 मार्च 2015 को, अभी 5-7 दिन बाद में फिर राहु की महादशा और मंगल का अंतर शुरू हो जाएगा। ये चलेगा 19 मार्च 2016 तक, अगले साल 19 मार्च 2016 तक। उसके बाद 18 साल का जो राहु की महादशा का जो खराब समय है वो ख़त्म हो जाएगा और 16 साल का गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होगा। लास्ट 18 ईयर में, पिछले 18 साल में जो आपने प्राप्त नहीं किया है वो अगले 16 साल में आप प्राप्त करेंगे, और उसमें भी पिछले 2-3 साल से जो ग्रहण योगों का आपको सामना करना पड़ रहा था वो ग्रहण योग अब मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। यानी कुल मिला के इस वर्ष मार्च के पश्चात से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। विवाह इस वर्ष के अंत तक, नहीं तो अगले साल में 100% आपका विवाह होगा, इसमें कोई दराय नहीं है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो जैसे उज्जैन में, नासिक में इसका विधान बताया गया है, वहाँ पर जाके पूजा करवा लीजिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, चंद्र और साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हैं आपके सोच के घर में। चंद्र शनि साथ होता है तो विष योग बन जाता है, चंद्र गुरु साथ होता है तो गज केसरी योग बन जाता है, शनि सूर्य साथ होता है तो पितृ दोष बन जाता है। अपने निर्णय के प्रति सावधानी रखिए, निर्णय सोच समझ के लीजिए, और जब भी मौका मिले पितृ दोष की पूजा भी करवाइएगा, और साथ साथ में एक आने वाले समय में आपको
एक पुखराज रत्न धारण करना अंगूठे के पास वाली फिंगर के अंदर। गुरुवार के दिन नियमित रूप से हर गुरुवार को पास में यदि कोई साईं बाबा का मंदिर हो तो वहाँ पे अवश्य जाया करिए, दर्शन करा करिए। गुलाब का पुष्प कुछ कम से कम 7 गुरुवार आप भगवान साईं को अर्पण करें, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र गंगानगर से जी। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1993 और इनका जन्म है पंडित जी सुबह के 7 बजे का जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभी में जो कब तक रहेगी सर? बेटा, शनि की मां दशा आपको चल रही है, उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। शनि की मां दशा, राहु का अंतर, राहु का काम ही यही है अड़चने लेके आना, कोई भी काम को सीधा नहीं करना। और ये राहु जो है वो खत्म होगा आपका सन 2017 में, अभी तो 2 साल है। जो भी 2 साल है उसमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि शनि आपका स्वग्रही है, शुक्र आपका उच्च का है, एक तो जन्म स्थान से दूर जाके काम करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है, शनि स्वग्रही है। निश्चित तौर पर यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, विदेश में भी आप जाके नौकरी कर सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है। लोहे से संबंधित यदि आप कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष रूप से फायदा पहुंच सकता है। चूंकि आपकी जन्म कुंडली में आपका जो भाग्येश है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, तो एक पुखराज रत्न अवश्य धारण करें और लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें तो आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं, जिससे कि आज आपका दिन बेहतरीन बन सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी सेंसिटिव है, धन का लाभ होगा। मन में आज अगर कुछ उथल पुथल चलती है तो उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। दूसरों के साथ मिलकर कोई नया काम करने का भी आज आपको मौका मिल सकता है। काफ़ी समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होने से आज मानसिक जो थकावट थी और जो टेंशन थी वो आज दूर हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। निश्चित तौर पे जो सोचे हुए काम हैं, हो सकता है वो आज आपके सोचे हुए ढंग से पूरे नहीं हो, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा करिएगा, फिर देखिएगा पूरा दिन अच्छा आपका निश्चित तौर पर गुजरेगा। आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का पावर मंत्र। आज गुरुवार का दिन है और देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति सदज्ञान के स्वामी हैं। बृहस्पति की जो कृपावान है बहुत सुंदर होती है। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनना, पीले कपड़ों का दान, आपके कक्ष का पीला रंग का होना, पीला बिछोना, चद्दर वगैरह भी पीली बिछा के सोएं, और अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान जो है वो सबसे आसान उपाय है। और बृहस्पति का एक बीज मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। जो अविवाहित दर्शक हैं वो यदि इस बीज मंत्र का जाप करें, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई बेरोजगार हैं वो यदि इस बीज मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पे जो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति है उनकी कृपा प्राप्त होती। बड़ा सरल मंत्र है, ओम बृहस्पते नमः, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है ओम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना है। केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के पश्चात भगवान देव गुरु की आरती अवश्य करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर सभी संकटों से, सभी कष्टों से, सभी विघ्नों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत ही अच्छा आने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।